ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था। और उस दौर में जो आशा बहने हैं देश में, आशा कार्यकर्ता, पूरे देश को उन्होंने संभालने का काम किया। जहां शोषण होता है, जहां गैर बराबरी है, जहां धोखा दिया जाता है, जहां लूट होती है, तस्वीर का एक पहलू है, लेकिन हमारे लिए तस्वीर का दूसरा पहलू वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो दूसरा पहलू है कि अब हिंदुस्तान और देश की महिलाएं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और स्थिति को बदलने के लिए वो संगठित हुए। क्योंकि जो जगह है जहां महिलाएं काम करती हैं, उस काम की जगह में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, इसकी गारंटी हो, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये कानून बना हुआ है। लेकिन आप सब देख रही हैं कि इस देश में ये कानून लागू नहीं होता। आप मजदूरों की बात तो छोड़ दीजिए, इस देश की महिला पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके जो लाए हैं, उन महिलाओं ने भी जब आरोप लगाया कि उनके जो रेस्लिंग वर्क फेडरेशन है उसके अध्यक्ष ने उन पहलवानों का यौन शोषण किया है, उस पर भी उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला। जो दूसरा कानून है इस देश के महिला मजदूरों के लिए, वो कानून है कि अक्सर महिला मजदूरों को बराबर के काम के लिए बराबर का वेतन नहीं मिलता है। पुरुष और महिलाओं में फर्क किया जाता है, और वो हम चाहे खेती की बात करें, देश के किसी कल कारखाने की बात करें, कोई भी उद्योग की बात करें, अक्सर ये गैर कानूनी है लेकिन यही चल रहा है। तो आपके साथ जो शोषण है, मजदूर होने के नाते, महिला होने के नाते और स्कीम वर्कर्स होने के नाते और अतिरिक्त शोषण है, क्योंकि आपको तो वर्कर के रूप में माना भी नहीं जा रहा। अभी हम देख रहे हैं कि इस देश में जो सरकार का कामकाज है, बहुत सारा कामकाज स्कीम के नाम पर चल रहा है। अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो मिड डे मील, हमारी जो रसोईया बहनें हैं, और कुछ कुछ जगह अभी उत्तर भारत के राज्यों में तो सिर्फ मिड डे मील दिया जाता है। तमिलनाडु में अच्छा लगा कि वहाँ की सरकार ने ब्रेकफास्ट भी देने की शुरुआत कर दी, कि बच्चों को सिर्फ मिड डे मील नहीं, बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट भी चाहिए। तो ये चाहे ब्रेकफास्ट देने की हम बात करें, मिड डे मील की बात करें, तो पूरे देश में लाखों की तादाद में महिलाएं लगी हुई है इस काम में। कोरोना काल में हमने देखा कि पूरा हिंदुस्तान परेशान था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था, और उस दौर में जो आशा बहने हैं देश में, आशा कार्यकर्ता, पूरे देश को उन्होंने संभालने का काम किया। और कितने सारे आशा बहनों को उनके पास एक पीपीई किट तक नहीं था, मास्क नहीं था, कोई भी जीवन बचाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं थी। बावजूद इसके जान की बाजी लगाकर आशा कार्यकर्ताओं ने देश की जनता का, देश का उन्होंने सेवा किया। और ये सब कुछ हम करते हैं, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, हर स्कीम में, लेकिन उसके लिए कहीं कोई उचित सम्मान नहीं, उचित वेतन नहीं है। तो ये जो पूरे देश की परिस्थिति है, ये परिस्थिति का एक पहलू है, जहां शोषण होता है, जहां गैर बराबरी है, जहां धोखा दिया जाता है, जहां लूट होती है, ये सब तस्वीर का एक पहलू है। लेकिन हमारे लिए तस्वीर का दूसरा पहलू वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो दूसरा पहलू है कि अब हिंदुस्तान और देश की महिलाएं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और स्थिति को बदलने के लिए वो संगठित हुए। लगातार पिछले 10-15 साल में हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ने लगा। जब भी देश में हड़ताल होती है, पूरे देश में मजदूरों की आम हड़ताल, तो हड़ताल के जुलूस में हम पाते हैं कि सबसे बड़ी तादाद में और सबसे ज़्यादा जोश खरोश के साथ
स्कीम वर्कर्स की भागीदारी दिखती है, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी। हमने दिल्ली में देखा, ठंड का समय था, शायद एक साल या दो साल पहले की बात है, आप लोगों ने एक ऐलान किया कि दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, और जो भी संगठन ने सोचा था कि कितनी महिलाएं आएंगी, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच गई हर कार्यक्रम में। अभी अभी हमने बिहार में देखा, एक हड़ताल शुरू हुई ताकि बिहार में आशा को जो पैसा मिलता था उस पैसे में बढ़ोतरी हो, और अभी तो बिहार के आशा बहनों को मानदेय भी नहीं कहा जाता था, उसको कहा जाता था कि पारितोषिक है। तो इसको बदलने के लिए हड़ताल शुरू हुई, तो हड़ताल लंबी चलने लगी। लोगों को लगा कि भाई इतनी लंबी हड़ताल, किसानों ने तो एक साल का आंदोलन झेल लिया, वो तो पंजाब के किसान थे, खाते पीते किसान थे, और इसीलिए दिल्ली में आकर के उन्होंने डेरा डाल दिया और एक तय कर लिया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं रहेंगे। तो किसानों ने तो करके दिखाया, लेकिन लोगों के मन में आशंका थी कि क्या बिहार की जो आशा में काम करने वाली महिलाएं हैं, क्या इनके पास भी इतनी ताकत है कि लड़ाई अगर लंबी हो जाए, लंबी लड़नी पड़े, तब भी उसमें डटे रहना है, टिके रहना है, और पूरे बिना झुके, बिना थके, बिना रुके उस लड़ाई को जीत की मंजिल तक पहुंचाना है। क्या बिहार की आशा बहनें ये कर पाएंगी? उसी दौर में हमने देखा कि 3 अगस्त को इसी पटना में ऐतिहासिक आपकी महाजुटान, जहां दसियों हजार की तादाद में महिलाएं पहुंची, और अंततः हमने देखा कि हड़ताल एक जीत के साथ समाप्त हुई और बिहार की महिलाओं ने, आशा महिलाओं ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो महिलाओं के अंदर मिड डे मील हो, आशा हो, कोई भी स्कीम हो, लड़ने की जो तमन्ना है, जो ललक है, जो ताकत है, इसको संगठित करना चाहिए, इस लड़ाई को बढ़ाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज आपकी एकता बढ़ रही है, ये स्कीम वर्कर्स फेडरेशन है, किसी एक स्कीम का नहीं, हर स्कीम से जुड़ी हुई वर्कर, मिड डे मील हो, आशा हो, आंगनवाड़ी हो, कहीं कोई नई स्कीम, मोदी जी लगातार नए नए स्कीम बनाते रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं, तो जो भी स्कीम सरकार, कोई भी स्कीम घोषित कर दे, वो खेलो इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, कुछ भी स्किल इंडिया हो, कोई भी स्कीम की घोषणा हो, जहां भी स्कीम वर्कर्स हैं, स्कीम के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके सवाल और उनकी एकता, और वो भी देश के पैमाने पर, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं। वैसे तो बिहार में आंदोलन है, झारखंड में आंदोलन है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, पूरे देश में आंदोलन महाराष्ट्र में है, फैल रहा है। तो सभी स्कीम वर्कर्स और पूरे राष्ट्रीय धरातल पर, पूरे देश के पैमाने पर जो आपकी एकता बन रही है, जो संगठन का निर्माण हो रहा है, इस एकता में ताकत है, इस संगठन में ताकत है, इसमें दम है, और आने वाले दिन में ये एकता और मजबूत हो, और इससे हमें तो लगता है कि देश के पूरे मजदूर आंदोलन बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा, पूरा समाज बदल जाएगा आपके इस संगठन से, आपके इस आंदोलन से। आज देश में जो हमारी स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, पूरे देश में हम देख रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जहां भी हम देख रहे हैं कि हम शिक्षा की बात करें, तो कहीं भी अधिकार नहीं है, सम्मान नहीं है। मणिपुर जल रहा है, 4 महीने से ज्यादा समय हो गया, और मणिपुर में 200 की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की तादाद में लोग अब राहत शिविर में हैं, और सबसे ज्यादा अपमान, सबसे ज्यादा सुरक्षा, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा अत्याचार मणिपुर की महिलाओं को झेलना पड़ा है, और मणिपुर के महिलाओं को ही आपस में बांट करके इसकी कोशिश हो रही है कि महिलाओं के अत्याचार पर, अन्याय पर कोई बात ना हो। देश में संसद अभी चली, उस संसद में प्रधानमंत्री इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप कोई कदम उठाए नहीं तो हम कदम उठाते हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा।
हमने देखा कि देश में किस तरीके का माहौल बना दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, इस देश के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ क्या नफरत का माहौल है। हमारे सामने वो वीडियो है, परेशान करने वाला वीडियो। मुजफ्फरनगर में एक महिला शिक्षिका, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको हमने देखा। उनसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी शिक्षिका, कोई भी शिक्षक, जहां बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं, और वहां उस क्लास में, एक प्राइमरी स्कूल में, ऐसी बात होगी कि किसी एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करके हम दूसरे बच्चों से कहेंगे कि बारी बारी से आकर के इसको मारो पीटो, इस तरह से एक बच्चे को अपमानित करेंगे। ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हमारे देश में अभी हो रहा है। तो ये जो पूरे देश की स्थिति है, जिस तरह की नफरत है, जिस तरह के दमन है, कभी कभी तो लगता है कि अंग्रेजों की सरकार चल रही है देश में। जैसे अंग्रेज राज करते थे, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर आज आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान में सरकार चल रही है। जैसे भगत सिंह ने कभी कहा था कि भाई गोरे अंग्रेजों की जगह पर भूरे अंग्रेज ना आ जाए, तो कहीं गोरे अंग्रेजों के बाद वही भूरे अंग्रेजों का राज तो नहीं चल रहा है देश में, ये स्थिति बन गई है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर सामाजिक बराबरी चाहिए, महिलाओं और पुरुषों के बीच में बराबरी चाहिए, और जाति के नाम पर जो उत्पीड़न है उसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन आज पूरे देश में वही जाति आधारित समाज और पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है महिलाओं के लिए, और वो भी खासकर आदिवासी और दलित महिलाओं के लिए। वहाँ उत्पीड़न का कहीं कोई अंत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश को बचाना, बदलना बेहद ज़रूरी है, और हमें तो लगता है कि लड़ाई कहीं से भी शुरू हो जाए, किसी एक सवाल पर शुरू हो जाए। जैसे आपने अभी शुरू किया कि भाई हमें स्कीम वर्कर्स को वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, ये सरकार ये कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि भाई महिलाओं का तो ये काम ही है, महिलाओं का चरित्र है कि देखभाल करना। तो जैसे हम घर में देखभाल करते हैं, तो पूरे समाज में लोगों का देखभाल करिए, इसमें पैसे की बात क्यों, इसको काम कहने की ज़रूरत क्या, ये तो काम है महिलाओं का। और ये कह करके कभी कभी महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा इसके लिए सम्मान की बात करके वो असली बात जो है उस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं। भाई हम अगर काम कर रहे हैं, 8 घंटा कर रहे हैं, तो उस काम का पूरा सम्मान होना चाहिए और उस काम का हमें पूरा दाम मिलना चाहिए। इस बात पर ये जो बुनियादी सवाल है, हम समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त में हमसे काम लेने की कोशिश मत करो। और मुफ्त में काम लेने के लिए आप कहेंगे कि महिलाओं को भगवान बता देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आप अगर महिलाओं को भगवान भी कह दो, लेकिन समाज में, देश में, सड़कों पर कहीं भी महिलाओं का कोई सम्मान तो है नहीं। इसीलिए सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने से रोकने के लिए, उनके अधिकार को रोकने के लिए कभी कभी आप महिलाओं के लिए अच्छी बात कह देते हैं। और इसीलिए जो आपने शुरुआत की कि अगर हम काम कर रहे हैं, और वो भी इतना ज़रूरी काम कि हमारे काम के बगैर देश में स्कूल नहीं चलेगा, हमारे काम के बगैर देश में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चलेगी, तो आज पूरा देश ये कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि हमें, एक ज़माने में हम लोग सिर्फ कहते थे रोटी कपड़ा मकान, आज का जो ज़माना है सब लोगों की मांग है कि रोटी कपड़ा मकान तो बिल्कुल चाहिए, इसके बगैर लाइफ चलेगी नहीं। रोटी कपड़ा मकान के साथ हमें बिजली भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें इंटरनेट भी चाहिए, और सबसे पहले हमें तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। और इसलिए जो पूरे देश की मांग है, उस देश की मांग को पूरा करने के लिए आप लोग काम कर रही हैं, और इस काम का पूरा सम्मान मिलना, पूरा दाम मिलना बेहद ज़रूरी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में जो आपका संगठन आगे बढ़ेगा, आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा, आप कहीं से भी अकेले नहीं हैं, आप कहीं से भी अलग थलग नहीं हैं, पूरे देश के तमाम संघर्षशील लोग आपके साथ हैं, किसान आपके साथ हैं, गरीब आपके साथ हैं, खेत मजदूर आपके साथ हैं, छात्र नौजवान आपके साथ हैं, पूरे देश के मजदूर कर्मचारी आपके साथ हैं। और इसीलिए हमें अच्छा लगा कि AICCTU, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो लाल झंडे का एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन है पूरे देश में,
और उस केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने यह तय कर लिया कि इस देश में हमें मजदूर आंदोलन को बढ़ाते हुए अब जो स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं या कहीं कहीं पुरुष भी हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा महिलाएं हैं, ये जो लाखों की तादाद में महिलाएं जो घर से निकल करके काम के लिए बाहर आ रही हैं और उनके ऊपर ज़बरदस्त शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ इन महिलाओं को संगठित करना और इनके हक की लड़ाई को लड़ना ये AICCTU की बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक फेडरेशन बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर राज्य में एक ज़बरदस्त लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और पटना में देश के हर कोने से आप यहाँ पहुँची हैं, तो आपके सम्मेलन के लिए बहुत सारी शुभकामना और आपका ये आंदोलन आगे बढ़े। आपसे हम ये भी कहेंगे कि आपका ये आंदोलन ये मजदूर आंदोलन है, आपका ये आंदोलन ये अपने आप में महिलाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन है, आपका ये आंदोलन पूरे देश में समाज को बदलने वाला, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला, हर तरह के अन्याय, हर तरह के अपराध, हर तरह के अत्याचार, हर तरह के शोषण के खिलाफ देश को आगे बढ़ाने वाला एक आंदोलन है। इसलिए आपके आंदोलन के लिए पूरे देश भर में लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके सम्मेलन, आपके आंदोलन, आपके संगठन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाओं के साथ आप तमाम प्रतिनिधियों का मैं फिर एक बार पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। इंकलाबी सलाम, लाल सलाम।